नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। इस वक्त सीधे चलेंगे सौसर। सुरक्षा के दृष्टिगत देखते हुए सौसर के चमत्कारिक श्री जामसावनी मंदिर के पट अब भी बंद है। एक और कोरोना में मंदिरों को खोलने को लेकर प्रशासन ने ढील दे दी है। वही क्षेत्र के विश्वविख्यात चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर जाम सावली को स्थानीय प्रशासन व कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल बंद रखा गया है। मंदिरों में आने वाले अधिकांश दर्शनार्थियों की संख्या महाराष्ट्र से और लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही महाराष्ट्र की सीमा लगी हुई है, जहाँ कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। ऐसे में फिलहाल मंदिर को बंद रखा गया है। यहाँ श्री मूर्ति की नाभि से निरंतर विशेष जल निकलता है, जिससे भूत प्रेत से बाधा से ग्रसित मानसिक लोगों को जल ग्रहण करने व पावन क्षेत्र में प्रवेश करने पर आराम मिल जाता है। ऐसे में कई लोग दूर दराज से यहाँ आने लगे, किंतु इसके रुकने की फिलहाल यहाँ व्यवस्था नहीं है और मंदिर परिसर में भी सन्नाटा छाया हुआ है, तो परिसर में दुकानों का व्यापार भी चौपट हो गया है। ऐसे में 21 जुलाई के बाद मंदिर खुलने की आज दर्शनार्थी व परिसर के व्यापारियों को है। देखना है स्थानीय प्रशासन कब तक मंदिर को दर्शन के लिए खोलता है। तो सबसे एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश ठाकुर। मझगवा से बरौंधा रोड में चलने वाले बेलगाम ऑटो चालकों की मनमानी किस कदर हावी है, इसका अंदाजा झरी गांव के पास खराब हुए ऑटो की हालत देखकर लगाया जा सकता है। ऑटो क्रमांक MP19-77-61 मझगवा से नकैला जा रहा था। ऑटो में महिला पुरुष बच्चों सहित कुल 20 सवारियां हैं, यानी क्षमता से 6 गुना ज्यादा। 3 सीटर ऑटो जब 20 सवारियों को लोड नहीं झेल पाया तो ऑटो का पिछला टायर फट गया और बारिश में महिलाओं और बच्चों को 20 रास्ते में खड़े रहना पड़ा। ज्ञात हो कि ऑटो में 3 सवारियां ही अलाउ हैं तथा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, मगर बेलगाम ऑटो चालक इस रूट पर हर दिन 15 से 20 सवारियां भरकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। भूसे की तरह सवारियां भरकर चलने वाले ऑटो चालकों पर पुलिस प्रशासन की कोई लगाम नहीं है। यदि यही हाल रहा आया तो इस रूट पर कभी भी यात्री सड़क हादसे का शिकार हो सकते हैं। मझगवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम नरेश श्रीवास्तव। नीमच SP द्वारा गठित विशेष पुलिस टीम ने रतनगढ़ थाना क्षेत्र के जंगलों में एक बड़ा जुआ पकड़ा। पुलिस ने जंगल में जुआ खेल रहे 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें राजस्थान के आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने जुआ पकड़ने के साथ ही गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ की है। वहीं अब नीमच पुलिस मौके से फरार हुए अन्य 5 आरोपियों की भी तलाश करने में जुटी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 7 मोटरसाइकिल, 3 कार व 47,000 रुपए से अधिक भी जब्त किए हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास राव शिंदे, नीमच। नीमच SP द्वारा गठित विशेष पुलिस टीम ने रतनगढ़ थाना क्षेत्र के जंगलों में एक बड़ा जुआ पकड़ा है। पुलिस ने जंगल में जुआ खेल रहे 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें राजस्थान के आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने जुआ पकड़ने के साथ ही गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ की है। वहीं अब नीमच पुलिस मौके से फरार हुए अन्य 5 आरोपियों की भी तलाश करने में जुटी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 7 मोटरसाइकिल, 3 कार व 47,000 रुपए से अधिक भी जब्त किए हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास राव शिंदे, नीमच। एक बार फिर बड़वारा इलाके में टिड्डी दल ने दी दस्तक। किसानों की सतर्कता ने टिड्डी दल का बदला रुख। जहां एक तरफ पूरा भारत देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ टिड्डी दल किसानों को दोहरी मार झेलने को मजबूर कर रहा है। देश के अलग अलग कोने में टिड्डी दल ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। वहीं आज एक बार फिर टिड्डी दल बड़वारा तहसील क्षेत्र के मझगवा गांव में सुबह सुबह दस्तक दी। हालांकि ग्रामीणों ने टिड्डी दल को रुकने का मौका नहीं दिया है। टिड्डी दल के प्रवेश करते ही ग्रामीणों द्वारा सतर्कता दिखाते हुए ध्वनि यंत्रों का प्रयोग कर दल का रुख बदला। वहीं कृषि विभाग अधिकारी ने बताया कि टिड्डी दल को ग्रामीणों की मदद से खेतों से खदेड़ा गया है। राहत की बात यह है कि पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने किसी भी प्रकार का किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बड़वारा के एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने आज से मैरिज गार्डन को खोलने के आदेश जारी कर दिए। लगभग विवाह समारोह में 40 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल। राजधानी भोपाल के नए कलेक्टर अवनीश लवानिया द्वारा शादी समारोह के आयोजन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब जिले में शादी समारोह में 20 से अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा अब शादी समारोह में घर के अलावा मैरिज गार्डन, होटल और धर्मशाला में हो सकेगी शादी। वहीं शादी समारोह में अब 40 लोग शामिल हो सकेंगे। भोपाल कलेक्टर ने इनके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। 9 बजे तक खुल सकेंगे होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें। भोपाल कलेक्टर ने कल रात आदेश जारी कर दिया है कि शादी के लिए मैरिज गार्डन को खोला जाएगा, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। अब कहने वाली बात होगी, नई गाइडलाइन के तहत लगभग
40 व्यक्ति गार्डनों में शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। रिपोर्टर विवेक शर्मा। एक ही बारिश में नगर निगम के सभापति की बाढ़ की खोली पुल। नगर निगम के लाख दावे दिखाई दे रहे हैं झूठे। बारिश के बाद लबालब भरा है पानी। एक ही बारिश में नगर निगम के सभापति के बाढ़ की खोली पोल। लाख दावे नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं कि बारिश से निपटने के लिए नगर निगम ने पुख्ता इंतजाम हर वार्ड में कर रखे हैं, परंतु नगर निगम के सभापति के वार्ड के हाल बेहाल हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी वार्डों के क्या हाल होंगे। नगर निगम के वार्ड के सभापति के वार्ड के इतने बुरे हाल है कि एक ही बारिश में तालाब की तरह लबालब हो गया है पूरा वार्ड। जहां देखो वहां से पानी और कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है। लोगों का निकलना और जीना हुआ दुश्वार। बारिश में हुआ जल भराव। अब ऐसे में नगर निगम के दावे लगते हैं झूठे। जहां देखा जाए नगर निगम के सभापति के बाढ़ के ये हाल है, तो और बाढ़ों के क्या हाल होंगे। मुरैना से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमन सक्सेना। चांदपुर थाने के आगलगोता गांव में एक शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद से गांव में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची अलीराजपुर पुलिस। अलीराजपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के आगलगोता गांव में एक नाले के किनारे खेत की मेड़ पर 45 वर्षीय शख्स की सिर कुचली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आज सुबह जब लोग अपने कार्यों के लिए नाले किनारे गए तो सभी छत विचित्र शव देखकर चौंक गए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद एसडीओपी धीरज बब्बर व थाना प्रभारी सहित पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव की शिनाख्त जुआन सिंह पिता हिंता निवासी आगलगोटा के रूप में की है। यह स्पष्ट हो चुका है कि युवक की जघन्य तरीके से हत्या की गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हत्यारा कौन और इसने इस शख्स की हत्या क्यों की, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि इस गांव में इसका किसी से जमीनी विवाद तो नहीं जिसकी वजह से इसकी जान गई है। मनीष वाणी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, अलीराजपुर। महासमुंद पुलिस की गांजे को लेकर दो जगहों पर बड़ी कार्यवाही। महासमुंद पुलिस ने गांजा तस्करी के दो बड़े मामलों पर कार्यवाही की है। पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में चार लोगों को गिरफ्तार कर 2 क्विंटल 28 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 11,50,000 रुपए है। दोनों ही मामलों में पकड़े गए आरोपी उड़ीसा एमपी और राजधानी रायपुर की है। पहले मामले में सरायपाली के सिंघोड़ा पुलिस ने गांजे की तस्करी करते तीन लोगों को गिरफ्तार कर आरोपियों से 2 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 10,50,000 रुपए है। वहीं दूसरे मामले में महासमुंद के कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 17.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 1,05,000 रुपए है। पकड़े गए सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 20B NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते प्राचार्य राम सिंह खरते को लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा। अतिथि शिक्षक से नौकरी दिलाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। निवाली ब्लॉक में आज एक अतिथि शिक्षक की शिकायत पर लोकायुक्त ने कानपुरी संकुल के प्राचार्य राम सिंह खरती को 5,000 रुपए की रिश्वत लेती लोकायुक्त तो पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। शिकायतकर्ता अतिथि शिक्षक संदीप ने बताया कि पिछले वर्ष भी प्राचार्य को 15,000 रुपए रिश्वत दे चुका है। इस वर्ष फिर नौकरी देने के नाम पर प्राचार्य द्वारा रुपयों की मांग की गई, जिस पर संदीप ने उसे 1,000 रुपए दे दिए और उसके बाद लोकायुक्त से शिकायत की, जिस पर आज टीम ने निवाली पहुंचकर प्राचार्य राम सिंह खरते को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। प्राचार्य राम सिंह खरते हाई स्कूल कानपुरी विकासखंड निवाली में पदस्थ था। बाजार में रोड पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। ओवर ब्रिज निर्माण के चलते रेलवे झांसी फाटक बंद। अंडर ब्रिज में पानी भरने से सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर। रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के चलते रेलवे झांसी फाटक करीब 1 साल पहले बंद कर दिया गया, जिसके बाद नानक बाड़, भगत सिंह बाड़, इंदिरा गांधी बाड़ एवं रिफाइनरी आने जाने वाले सैकड़ों लोगों के लिए एकमात्र विकल्प है रेलवे अंडर ब्रिज। लेकिन बारिश की वजह से अंडर ब्रिज में पानी लबालब भर जाता है, जिसकी वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं और सैकड़ों लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने वाहनों को रेल लाइन क्रॉस कराते हैं। ऐसे आम लोगों की जान की फिक्र ना तो रेल प्रशासन को है और ना ही उन नेताओं को जो सब कुछ देखते हुए भी अनजान बने हुए हैं। रेल प्रशासन की ओर से ना तो अंडर ब्रिज में पानी निकालने का कोई इंतजाम किया गया और ना ही अंडर ब्रिज को टीन सेट से कवर किया गया है, जिसकी वजह से अंडर ब्रिज में पानी भर जाता है और लोग परेशान होते रहते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर प्रशासन ने कोई जल्द ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बीना से एक्सप्रेस रिपोर्टर अशफाक अंसारी।
ग्वालियर में मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने एजी ऑफिस के पास निर्माणाधीन पुल के पास एक संदेही ट्रक को पकड़ा। ट्रक के अंदर बड़ी मात्रा में अल्कोहल ड्रिंक होने की सूचना मिली थी। ट्रक को पकड़ने पर उसके अंदर एक महंगे बियर बनाने वाली कंपनी के नाम से नॉन अल्कोहलिक एनर्जी ड्रिंक मिली, जिस पर आबकारी ने संदेह जताते हुए एक ट्रक ड्राइवर के माध्यम से गोदाम पर भी छापा मारा। वहां भी बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की एनर्जी ड्रिंक मिली, जिस पर से विभाग ने एनर्जी ड्रिंक के सैंपल लेकर जांच की, जिसमें वह नॉन अल्कोहलिक पाई गई। रात करीब 2 बजे तक विभाग एनर्जी ड्रिंक पर संदेह जांच में जुटा रहा, जिस पर से टेस्टिंग किट के माध्यम से मिले परिणाम पर पंचनामा बनाकर कार्रवाई को खत्म किया गया। अब आबकारी विभाग एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी द्वारा एक फेमस बियर कंपनी के नाम से एनर्जी ड्रिंक कैसे बनाई जा रही है। ग्वालियर से रिपोर्टर विनोद शर्मा। जुआरियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पिछले 24 घंटे में 16 जुआरियों से 6,20,000 लीटर जब्त किया है। वहीं शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं। कोरबा में जुआरियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बीती रात 24 घंटे के भीतर दोपहर पर पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान 16 जुआरियों से 6,20,000 नकदी रकम बरामद किया गया है। रामपुर चौकी अंतर्गत एक फार्म हाउस पर 11 जुआरियों से 6,08,000 ताश की पत्ती और शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। पकड़े गए सभी जुआरी कोरबा के व्यवसायी हैं, जो जुआ खेल रहे थे। वहीं सीएसबी के आवास में जाम छलकाने के साथ मोटी रकम दाव लगा रहे 5 लोगों से 12,000 जब्त किया गया है। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में पिकनिक स्पॉट के आसपास जुआ खेलने की सूचना मिल रही है। पड़ोसी जिला जांजगीर चांपा रायगढ़ से भी जुआरी जुआ खेलने आ रहे हैं, लेकिन वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शहर के मध्य सीएसबी कॉलोनी और फार्म हाउस पर व्यवसायियों के द्वारा जुआ खेला जा रहा था। पुलिस की दबिश पर यह कार्रवाई की गई। कोरबा से रिपोर्टर मनोज यादव। इस हफ्ते हो सकता है प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए संकेत। प्रदेश में मंत्रिमंडल की विस्तार की अटकलों पर विराम लगने जा रहा है। आज शिवराज सिंह चौहान ने संकेत देते हुए कहा कि इस हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। साफ तौर पर पिछले कई महीनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब नहीं तो अब हो जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं कि आज वो मंत्रिमंडल के नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली रवाना हो रहे हैं और वहां पर अंतिम मोहर लगने के बाद 2 या 3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की पूरी संभावना बन रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं कि इस हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आज शाम वो मंत्रिमंडल की लिस्ट लेके दिल्ली रवाना हो रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद चौहान। वर्चुअल रैली और जनसंवाद के माध्यम से सरोज पांडे जिले के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 बार बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का कद्र जारी नहीं रखा गया और यही वजह है कि सरकार बीजेपी की सत्ता से बाहर हो गई। हालात ये हो गए हैं कि अब वर्चुअल रैली के माध्यम से जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री है और जिले के पदाधिकारी है, वो तमाम लोगों को अब जोड़ना चाहते हैं और जनसंवाद के माध्यम से ये कड़ी जोड़े जाएंगे। सरोज पांडे बिलासपुर में 24 तारीख को जिले में जनसंवाद करेंगे। ज्यादा से ज्यादा डूबने की अपील की जा रही है पार्टी के माध्यम से, लेकिन ये कितना कामयाब होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं हुई। 3 बार सरकार रही, लेकिन सब अच्छे लच्छे जो बड़े नेता उनकी स्थिति तो बदल गई, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी झंडा लेकर घूम रहा है। जब सरकार कार्यकर्ता पास पास थे, सरकार भी थी बीजेपी की और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, तब उनकी कद्र नहीं थी, लेकिन अब जब सत्ता नहीं है सरकार नहीं है तो दोनों की कद्र हो रही है। और सरोज पांडे इस मामले में अब जनसंवाद करेंगे। बिलासपुर से रिपोर्ट लेने पर। जबलपुर शहर में बन रहे फ्लाईओवर, रिंग रोड और जबलपुर से अमरकंटक तक बनने वाले हाईवे का काम अब केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा पूरा किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक पत्र लिखकर इस बात की सूचना स्थानीय सांसद को दे दी है। प्रदेश सरकार के द्वारा जबलपुर में फ्लाईओवर, रिंग रोड और जबलपुर से अमरकंटक तक हाईवे का निर्माण काम किया जा रहा था, लेकिन इस काम में पैसे की बेहद कमी आ रही थी, जिस वजह से काम धीमा हो गया था, लेकिन अब इस काम को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध का एक पत्र जबलपुर सांसद राकेश सिंह को भेजा और बताया कि अब इस पूरे काम की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा उठाई जाएगी। ये तीनों बड़ी परियोजनाएं अब केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के अधीन होने की वजह से काम जल्द पूरा होगा। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर।
रेप पीड़िता को फोन कर जान से मारने की धमकी, केस वापस लेने बनाया जा रहा दबाव। राजधानी के डीडी नगर स्थित एक रेप पीड़िता को केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत डीडी नगर थाने में दर्ज कराई है। थाना प्रभारी योगिता खापल्डे के मुताबिक डीडी नगर इलाके की युवती के साथ रेप हुआ था। 17 अप्रैल को पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में आरोपी अश्वन ढहरे के नाम के व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। अब 14 जून को युवती को फोन कर अज्ञात व्यक्ति ने गाली गलौज की है, साथ ही उसे बलात्कार का केस वापस लेने की धमकी दी गई है। फिलहाल डीडी नगर थाना पुलिस पीड़ित युवती की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर लगातार दूसरे दिन निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना के हौसले पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी जैसे लोग घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की ऐसी मानसिकता है जो देश की सेनाओं का मनोबल गिराए और हमारे विरोधियों को ताकत दे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह देश की जनता ने बता दिया है कि देश मोदी के हाथों सुरक्षित है। शिवराज ने कहा कि देश मोदी जी पर विश्वास करता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर मोदी जी का नहीं बल्कि देश का मान गिरा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में हुए एक सर्वे में 73% लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में खोले गए फीवर क्लिनिक को लेकर इंदौर शहर में काफी ही रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इंदौर जिले में सर्दी खांसी बुखार की जांच के लिए और मरीजों के उपचार के लिए शुरू किए गए फीवर क्लिनिक का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जिले की बात की जाए तो 1,250 से अधिक मरीज प्रतिदिन फीवर क्लिनिक में अपना परीक्षण का इलाज करा रहे हैं। जिले भर में 27 दिनों में 33,000 से ज्यादा मरीज क्लिनिक पहुंचकर फायदा उठा चुके हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कोरोना संकट के चलते सर्दी खांसी बुखार आदि लक्षणों के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए फीवर क्लिनिकों की शुरुआत किया था। अच्छी देखरेख और अधिकारियों की नजर में रहे इस क्लिनिक से फायदा तो पहुंचा ही है और कुछ मरीज सस्पेक्टेड भी सामने आए हैं, इनकी सैंपल की गई है। आपको बता दें कि इंदौर जिले में खोले गए जिसमें शहरी क्षेत्र में 19 और बाकी 25 ग्रामीण क्षेत्र में फीवर क्लिनिक खोले गए हैं। फीवर क्लिनिक से एक और जहां नॉर्मल पेशेंटों का इलाज सुगमता से हो रहा है, वहीं कोविड 19 के पेशेंट भी फीवर क्लिनिक के अंदर पकड़ में आ रहे हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। अधिकारी के घर के बाहर ही अल सुबह बाइक सवार 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के गले से चेन व सोने के टाप लूट कर भाग खड़े हुए। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की पुलक स्थित कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के गले से 3 बाइक सवार बदमाश बंदूक की नोक पर गले की चेन व सोने के टाप लूट कर भाग खड़े हुए। जहां ये घटना हुई वहां पर डीएसपी निगवाल का घर भी है, लेकिन फिलहाल में सीसीटीवी फुटेज में 3 बदमाश व महिला कैद है। जो महिला मॉर्निंग वॉक कर रही है तो बदमाश उसके गले पर निगाह दिखते हुए फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल में फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। कल सुबह ही तीनों बदमाश पुलक सिटी में रैकी कर रहे थे, जहां पर उन्होंने महिला के गले व कान पर निगाह भी मारी थी, लेकिन मौके का फायदा देख घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल में पुलिस के आला अधिकारी बदमाशों की तलाश में जुट गए हैं। इंदौर से एक्सपर्ट रिपोर्टर अजय शेख। जिले में चल रहे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाने प्रशासनिक अमला अब हरकत में आ चुका है। जांजगीर चांपा जिले में चल रहे रेत के अवैध परिवहन पर लगाम लगाने प्रशासनिक अमला हरकत में आ चुका है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। खनिज विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन पीरियड में खनिज विभाग के द्वारा 274 प्रकरण बनाए गए हैं, जिसमें 31 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाकर राजस्व की वसूली की गई है। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खनिज अधिनियम में कोई कड़ा प्रावधान नहीं है, जिसके चलते जब्त गाड़ियों को जुर्माना लगाकर छोड़ना पड़ता है। वहीं जिले में लगातार हो रही छापेमार कार्रवाई के बाद खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी जब तक कि खनिज माफिया सुधर न जाए। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। आफत बनी स्कूल की ऑनलाइन क्लास, परिजन नहीं चाहते ऑनलाइन पढ़ाई।
कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के दौरान स्कूलों में अब स्टूडेंटों की ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, पर बच्चों के परिजनों को यह ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को 5-6 घंटे मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठने पर उनकी आंखों व दिमाग पर गलत असर पड़ने का डर बना हुआ है। परिजनों को डर बना हुआ है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों के आंखों व दिमाग पर गलत असर पड़ सकता है। नरसिंहपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सलीम तिवारी की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी उतरी सड़कों पर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध में निकाली साइकिल यात्रा। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में आज मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में साइकिल यात्रा की गई। यह साइकिल यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास तक जाकर उनको ज्ञापन देने की थी, मगर इसी बीच न्यू मार्केट के पास में दिग्विजय सिंह को और साथ ही उनके कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। दिग्विजय सिंह का आरोप है कच्चे तेल के दाम कम है, वहीं प्रदेश सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जिसकी वजह से आम जनता को चौतरफा महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आरोप, जहां एक तरफ कच्चे तेल के दामों का रेट कम है, वहीं प्रदेश सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों पर बढ़ोतरी कर रही है, जिसकी वजह से आम जनता को चौतरफा महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। और आइए देखते हैं।